Perfect. चलिए दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल रॉयल सोल्जर पर। आज आपको एक नया एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। जो लोग हमेशा मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि भाई हमारा डॉग जो है बार्क नहीं करता, घर में कोई आता है तो उस पर भौंकता नहीं है, बहुत फ्रेंडली हो जाता है, तो डिपेंड करता है कि आपने उसकी ग्रूमिंग कैसे की है। डॉग को सोशलाइज रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि घर में कोई आए तो उसके साथ ही घुल मिल जाए, तो उससे जो है गार्डनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मैं बता दूं, जब भी आप घर पर पप लाते हैं, बहुत छोटी उम्र में उसको उठा के ले आते हैं, बहुत जल्दी होती है, एक्साइटमेंट होती है, जल्दी से घर पर बस पप्पी आ जाए। फिर मैं आपको बता दूं कि जितना पप अपनी माँ के साथ टाइम बिताता है, उतना ही बढ़िया वो जो है नेचुरल गार्डिंग सीखता है। जब उसकी माँ भौंकती है स्ट्रेंजर्स पर, तो वो भी भौंकना सीखता है कि कोई आता है तो उसके साथ ऐसा रिएक्शन देना है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि डॉग के अंदर होते हैं, साथ ही साथ जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं कि उसके जो बैकग्राउंड था डॉग का वो किस टाइप का था। तो जो लोग सोचते थे ऐसा, आई होप आप सबका डाउट दूर हो गया होगा आज। अदरवाइज़ आप अपने डॉग को भी एक अच्छा गार्ड डॉग अगर वो है और लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका है हर किसी के साथ, तो उसको धीरे धीरे आप चेंज कर सकते हो। कुछ तरीके मैंने अपने वीडियोज़ में पहले भी बताए हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मेरे वीडियोज़ इस टॉपिक पर। तो गाइज, अब आपके पास अगर फीमेल डॉग है और वो प्रेग्नेंट है, तो अक्सर कहा जाता है उसको रनिंग मत कराओ, कंसीव करने के 1 मंथ तक उसको एक्सरसाइज कम करानी चाहिए। रनिंग, जंपिंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सेसिवली नहीं करानी चाहिए, लेकिन अराउंड आफ्टर 45 डेज, जो लास्ट के 15-20 दिन बचते हैं, उन दिनों अपनी फीमेल डॉग को ढंग से एक्सरसाइज कराओ, वॉक कराओ, ओपन लीश, थोड़ी बहुत भाग भी लेगी तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बॉडी में जान रहेगी तो उसको पेन कम होगा। जब वो बच्चे देगी तो पेन उससे कम होता है और जो है डॉग मेंटेन रहती है उसकी हेल्थ। कोई आ रहा है सामने से, परी नो, फ्लोरा नो, वेट 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 वेट, नो बेबी, आ जाओ, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बोलेंगे, डरो मत, उतार के दिखाता हूँ अभी, देखना अभी परी की फिजिक में क्या डिफरेंस हो गया। सो दिस इज द परी आफ्टर कंसीविंग, लुक एट हर बॉडी एंड फिजिक नाउ। मैंने इस तरह से कपड़े खोल दिए ताकि ये धूप में जो है थोड़ी एक्सरसाइज कर ले। ऋषि वेट, ऋषि का वेट, हाय परु, परी बेबी, दिखती तो है ही नहीं परी,
बस भागते रहना है, इसको भागते रहना है। डोबरमैन इज सच अ ब्रीड विच कैन नॉट स्टे, दे विल कीप रनिंग मूविंग हियर एंड देयर बिकॉज दे आर फुल ऑफ एनर्जी। ऋषि क्या हुआ? हाँ क्या तू क्या हो गया बता तो दे एक बार। हाँ अरे बता दे। मैंने उल्टा स्वेटर पहना हुआ है। उल्टा स्वेटर पहना हुआ है? कोई नहीं भाई, उल्टे लोग क्या फर्क पड़ता है। तो गाइस परी और फ्लोरा अभी हमारे साथ थोड़ा घूमने निकले हैं जंगल की ओर। परी का आपको मैं लुक दिखाता हूँ, आज थोड़ा सा डिफरेंट लुक में है परी। उसका दिखाता हूँ नया गेटअप, नया लुक कैसा आ रहा है आफ्टर कंसीविंग। थोड़ा बॉडी को विटामिन डी देना और धूप देना भी ज़रूरी है। काफ़ी लोग जो डॉग को इंडोर हमेशा रखते हैं, सुबह घुमाने निकलते हैं तब धूप होती नहीं, शाम को घुमाने जाते हैं तो धूप होती नहीं है। तो थोड़ा धूप में भी घुमाना ज़रूरी है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो जो ग्रोथ है कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी मिलने से ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरा उनकी स्किन के लिए, उनकी बॉडी के लिए, उनके बोन्स के लिए जो है ओवरऑल धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंगल इन्फेक्शन बॉडी पे कम होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स कम होती हैं। तो डॉग को जो है धूप लगाना घुमाना भी ज़रूरी है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। अभी आपको दिखाता हूँ मैं परी एंड फ्लोरा, जस्ट हैव अ लुक। इनको मोर दिख गया एक। तीनों बच्चे चलते हुए आगे, परी फ्लोरा क्या हुआ, कौन दिख गया? हाँ क्या हुआ? हाँ बेबी ये देखो पॉकेट्स। यशिका की आवाज़ में ही भाग गए दोनों। बुलाओ भी देखूं, वैसे मुझे छोड़ के जाएंगे नहीं, देखना बुलाऊंगा नहीं, वापस ज़रूर आएंगे एक बार दोनों। लच्ची वेट करते हैं दोनों आते हैं कि नहीं आते हैं। अरे परी तो आना शुरू हो गई, फ्लोरा भी। मैं जानता हूँ मुझे छोड़ के जा नहीं सकते दोनों। हाय माय स्वीटी बेबीज, फिर से जाएंगे देखना, फिर से आ जाएंगे पक्का। इस बार तो ऋषि का भी आ गए। ऋषि ऋषि का ऋषि का ऐशी क्या हुआ? उल्टा स्वेटर। उल्टा स्वेटर है? कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है उल्टे सीधे से। बर्ड्स की आवाज सुन सकते हैं गाइस आप। परी हेल्प, हेल्प बोलती दोनों भाग के आ गए एकदम। हाँ परी की नज़रें देख रहे हो आप, पूरा लेफ्ट एंड राइट है कि हेल्प क्यों बोला, क्या हो गया? फ्लोरा भी पूरी चौकर नहीं। अब यशिका ने हेल्प की आवाज़ दी तो उसके पास भाग गए दोनों। यशिका यशिका यशी यशी कम बैक। यूजुअली जब फीमेल आपकी कंसीव करती है तो हर कोई बोलता है यार उसको भगाना नहीं है, दौड़ाना नहीं है, मिसकैरेज हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ कंसीव करने के जो है एटलीस्ट 20 डेज तक, 1 मंथ तक कुछ नहीं कराना आपको, लीश में घुमाना है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रनिंग नहीं करानी, थोड़ी बहुत वॉक, थोड़ी बहुत रनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा मेरे परी को
ये हमेशा जो है भागती कूदती उछलती नज़र आती है आपको। कंसीव करने के बाद थोड़ा सा मैंने प्रिकॉशन रखा कि एक्सेसिव रनिंग नहीं कराई इसको, 5-7 डेली किलोमीटर जैसे हम कराते हैं, लेकिन नॉर्मल जो रनिंग थी इसकी चलती रही यार। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, मैं आपको बता दूँ शुद्ध अपनी देसी तरीके से, साइंटिफिकल मेडिकल डॉक्टर्स की बातों के अलग। आजकल जो डॉग है ना वो बिल्डिंग्स में घरों में रहते हैं, वो रनिंग एक्सरसाइज नहीं करते, इसलिए कहते हैं कि भागाओगे दौड़ाओगे मिसकरेज हो जाएगा। लेकिन जो रफ एंड टफ डॉग है जो शुरू से भागा कूदा है खेला है, जंप करना भागना रनिंग एक्सरसाइज करना, वो पहले इतना रफ एंड टफ बॉडी उसकी इतनी मजबूत होती है, कंसीव करने के बाद भी वो भागेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे उसकी बॉडी पर। ये उनके लिए जो डॉग्स यूजुअली भागते नहीं तो कंसीव करा के भागने में मना करते हैं, सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए मना करते हैं। बाकी परी जैसी पहले थी भाई अभी भी ऐसी ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब से कंसीव किया ऐसी भाग रही है, उछल रही कूद रही है, कोई टेंशन नहीं है। आप देख सकते हैं अभी आपके सामने ही है बिल्कुल परू अभी। हाय स्वीरी, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, परी जस्ट टर्न लेफ्ट, परी टर्न हियर, वेट 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 वेट। इसकी बेल्ट आप देखिए, इसके कलर शेड देखिए, परी का अलर्टनेस देखिए इसकी, फ्लोर भी कहाँ किसी से कम है। लुक एट हर, दोनों एक दूसरे से गार्डिंग स्किल्स शेयर करते रहते हैं। परी तो है ही सुपर, फ्लोरा उसकी भी गुरु है। जर्मन शेपर्ड और डोबरमैन यार हमेशा आप कहते हैं ना कौन सा बेस्ट है, भाई साहब दोनों ही बहुत अमेजिंग है यार। ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं आप चाहते हो कि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूं, ऑनेस्ट सच्ची बात बताऊं मेरे दोनों डॉग के एक्सपीरियंस का, तो जर्मन शेफर्ड जो है ना थोड़ा दिमाग से हटा हुआ है। डोबरमैन को समझाओगे एक बार के लिए बंदे को छोड़ देगा अटैक करने के लिए, पर ये फ्लोरा नहीं मानती, ये एक बार चिपट जाए तो छोड़ती नहीं है। डोबरमैन जो है बहुत एथलेटिक डॉग है पर साथ ही साथ इंटेलिजेंट है, बहुत जल्दी सोशल हो जाता है, सोशलाइज कर सकते हो आप इसको, ईजी है सोशलाइज करना। पर जो जर्मन शेफर्ड है ये बहुत अच्छा है, इसको फैमिली में ही पाल सकते हो, पर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि फ्लोरा जो है थोड़ी बिगड़ जाती है बात बात पे, वो थोड़ी उसकी देखे उसकी जो मैच्योरिटी लेवल है परी का वो एज के हिसाब से ऑब्वियसली बढ़ता है, लेकिन फ्लोरा कई बार थोड़ा भी बचपना करते हैं। भी कल इसका बर्थडे था, 1 ईयर की भी कंप्लीट हुई है, इसका बर्थडे केक काटते हुए वीडियो शायद आपने देखा होगा, देखिएगा ज़रूर अगर मिस कर दिया है। तो दोनों ही बड़े बहुत अच्छे हैं, मुड़ मुड़ के देख रहे, देखा मेरे बिना आगे बढ़ते नहीं है मेरे डॉग्स। माय स्वीरी, परी को देखो एक बारी, परी की बेल्ट आप देख सकते हो कंसीव करने के बाद कैसी हो गई है, खा पी के तगड़ी हो गई है बिल्कुल प्योर। आप जानते हैं इसको, उनके डाइट में कोई कमी नहीं रखते हम, बहुत अच्छा खाना खाते हैं वो, इनकी बॉडी में इनकी स्किन पर दिखता भी है आप देख सकते हैं। कोट क्वालिटी देखिए परी की, एक और बेटी की जैकेट एक और परी की जैकेट, ऐसी जंगल में भाई हम टांग देते हैं, कोई अलमीरा की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी जहाँ पे भी उसको जो है सेट कर दो सब बढ़िया। अब परी का जो है आपको थोड़ा स्टेबल है, एक वीडियो दिखाता हूँ। ईशिका बेटा एक बार परी को लेके इधर खड़े हो ना, परी और फ्लोरा बिल्कुल जो है ना आसपास ही भटक रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं कूदना चाह रहे हैं। देखिए जब तक हम रहेंगे साथ पास में तो बैठना ही है इनको, या आई मीन आसपास ही रहना है, छोड़ के कभी दूर जाने वाले हैं नहीं। ये देखिए दोनों को, पर जाओ
जाएगी, फिर अभी आ जाएगी। इनकी ऐसी रैंप वॉक चलती रही, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। डॉग्स को जो है ना बॉडी को धूप देनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर जो है ज़्यादातर डॉग जो है बिल्डिंग्स में रहते हैं और मल्टी स्टोरीज में रहते हैं। जब इनको थोड़ा फ्रेश कराना होता है तो या तो मॉर्निंग में इन लोगों को घुमाने लेके जा रहे होते हैं या फिर शाम को लेके जा रहे होते हैं, उस टाइम पे धूप बिल्कुल चली जाती है। आपको मैं बता दूं कि डॉग की स्किन के लिए और उनकी हेल्थ के लिए, ताकि बॉडी में फंगल इन्फेक्शन ना हो, स्किन उनकी अच्छी रहे, तो उनको जो है रूटीन वाइज धूप में घुमाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। ऑब्वियसली गर्मियों में तो जो है टाइम अर्ली मॉर्निंग भी धूप निकल आती है और शाम तक भी जो है काफ़ी देर तक हल्की धूप रहती है, पर सर्दियों में एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अपने डॉग को धूप उनकी बॉडी को देना ज़रूरी है, क्योंकि धूप से जादू आ जाता है। ऐशिका जानते हो धूप वाले जादू को? अच्छा, पैर में दर्द हो रहा है ऐशिका? ये जादू वाला क्या फंडा है धूप का? हाँ, जादू वाली धूप कौन सी है बताते थे? जादू बताना है एक बारी। हाँ, कोई मिल गया वाली। कौन सी? कोई मिल गया वाली। कोई मिल गया, कोई मिल गया मूवी ऋतिक रोशन की, आइला जादू, तो उसी को हम मजाक बना रहे हैं। तो वही जादू है गाइस, डॉग के लिए जो है ना बॉडी को धूप देनी ज़रूरी है, उनकी स्किन उससे काफ़ी अच्छी रहती है। खाने के साथ साथ विटामिन डी उनको मिलता है, मिल्क अगर लेते हैं इनटेक। काफ़ी लोगों का मानना है कि डॉग को दूध नहीं देना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपने शुरू से जो है डॉग को कैसे रखा है। अगर आप पानी को पानी मिला के जो है दूध में उसको देते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर डॉग को लूज़ मोशन होते हैं क्योंकि आप उसको बिल्कुल दूध देते हैं बिना उसको नॉर्मल पानी मिलाए हुए, तो अगर आप थोड़े से पानी मिला के दूध दे रहे हैं तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और कैल्शियम भी ज़रूरी है बॉडी के लिए डॉग की, तो उनको दूध देते रहिए। जैसे कि आप मेरे वीडियोस में डाइट वीडियो मैंने बनाया कि डॉग को क्या डाइट देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, कौन सी फूड उनके लिए हार्मफुल है, कौन सी उनके लिए हेल्दी है, तो सारे वीडियोस का आप आनंद उठा सकते हैं अपने चैनल नाम। आप ही का चैनल है यार, मैं तो बस वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ, दैट्स रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब। अभी आपको कुछ और एक्टिविटीज़ मैं दिखाता हूँ परी और फ्लोर की। हैव अ लुक ऑन दिस। परी कैन यू कम हियर? परी, परू कम दिस साइड। हाय स्वीटी बेबी, गुड गर्ल। फ्लो कम हियर, कम दिस साइड। फ्लोरा कम दिस साइड, कम हियर, कम हियर। माय स्वीटी बेबी, आ गई तू भी। ऐशिका चलो इसे पकड़ के दिखाओ, फ्लोरा को आपसे बचना चाह रही है, खेल रही है आपके साथ। शी जस्ट वांट टू प्ले विद यू। पकड़ो फ्लोरा को, ए फ्लोरा को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ऐशिका ने बोला ना परी हेल्प, तो देखा उसने उसको पकड़ना शुरू कर दिया और घेर के सीधा ऐशिका के पास ले गई कि चल बेटा तू वहाँ पे। और परी की एक और खासियत है, जैसे उसको हमने ट्रेन किया हुआ है, जैसे ही इसको बच्चे हेल्प बोलते हैं, हम में से कोई हेल्प बोलता है तो तुरंत भाग के आती है, और चाहे साथ में फ्लोरा हो या कोई भी डॉग हो उसको फिर पकड़ लेती है सीधा गर्दन से। अभी इसको बोलेगी जब तक नहीं रुकेगी। ये देख सकते हैं परी को किस तरीके से खदेड़ रही है फ्लोरा को। परी परी लीव हर, परी छोड़ दो उसे। ऐशिका देख मोर के बच्चे, अरे भाग गए।
देखिए गाइस, आपने देखे, देख पाए आप? थोड़ा सा देर हो गया कैप्चर करने में, भाग गए वो। ये जो है परी फ्लोरा के कुछ और फैंस हैं यहाँ पे। आपको नाम याद है इसका? हैं? किसको? हमको? हाँ, परी का। परी का नहीं याद कहाँ ना आएगी? बिल्कुल सही बात है। हाँ, आजा आजा। हाय परू, फ्लोरा आजा। घूम रहे हैं। आजा परी। क्या बिया परी का? हाँ। परी बिया परी क्या? ना ना, अभी ब्याने वाली है। परी। बोलना। परी। अरे चारा खाने लगी परी। आजा परी। परी तो घास खा रही। तो ये भाई परी के सारे फैंस हैं यहाँ पे, देख लो आप। ये जंगल में जो है पूरी मेंटेनेंस करते हैं, रक्षा करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं लोग भी। और हर एक मजदूर की, हर एक काम करने वाले की हम दिल से कदर करते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर कोई अपने ईमानदारी से, डेडिकेशन से काम करता है, उसको सलाम करते हैं हम, रिस्पेक्ट करते हैं हर एक किसी के काम की। बैठ लो थोड़ा। तो कौन कौन से औजार ले रखे हैं? ये है भैया मेरे दोस्त। ये क्या नाम है आपका? एक रेत है, एक दरौत है। अच्छा, लाठी है। अच्छा, एक ही सोटली बना रखी है छोटी सी। सौंप मिल जाए ना, मिला कभी जंगल में? सौंपन की नौ है उठा मैं। दिखे ना हो कभी? अच्छा, आजा आजा परी। परी आजा। या का नाम परी वाको? या का काली का। हमारे भी ला रखी है ऐसी छोटी वाली। अच्छा, कैसा केक रहा है? बड़न ना देती होगी कहीं? किसी बड़न ना देती? अच्छा अच्छा अच्छा, चाचा का लड़का है जाना ला रखी है। और भी ना बढ़िया। अब ऐसे हो कौन से गांव के? झांसी जिला के। झांसी के हो? अच्छा अच्छा अच्छा, झांसी की रानी के। अच्छा, जिला के है। बढ़िया है। तो झांसी के वहाँ पे क्या प्रसिद्ध है, वहाँ पे क्या खासियत है झांसी की? झांसी नहीं, झांसी में क्या खास है? पीथीपुर है। पीथीपुर में क्या है? झांसी की खास बताया, राजा रानी है नहीं? लड़ी। झांसी की रानी की कहानी पता होगी आपको? हाँ। पता है? तो नया आवे लड़का बालन को सारी आवे। अच्छा। सारी आवे, हमको नया आवे। अच्छा अच्छा, लड़का बच्चा तो अम्मा को आवे, अम्मा बता रही है। अच्छा। मैं सुबह नहीं जानती। इशू क्या हुआ, क्या थम में क्या चेक कर रही है? कांटा चुभ गया। हाँ जी, कांटा चुभ गया। कहाँ? कांटा ही तो चुभा है, कौन सा गोली लग गई है लाली? भाई बच्चों को रफ एंड टफ बनाओ, छोटी मोटी चोटे लग जाए बच्चे के, छिल जाए, कांटा लग जाए, ये नहीं अरे मेरे बाबू क्या हो गया दिखाओ, अरे मेरे बाबू के कांटा लग गया है। बच्चों को इतना रफ एंड ना बनाओ, छोटी मोटी चीजें खुद ही हैंडल कर लिया करें वो। ओशिका वाह, बड़ा ब्यूटी, एक नील गाय दिखी मेरे को, पकड़ी मैं कैप्चर करके लाता हूँ, जैकेट पकड़। ओए वेट, ओ वो भागी, वो भागी, दिख रही है? बड़ा ब्यूटी, वाह कितनी सुंदर है, देख वाओ। परी नो, ओ परी की बच्ची घुस गई जंगल में अंदर, बाउंड्री पार करके। परी परी कम बैक, परी वापस आओ। चलो इधर आओ, वापस आओ। कहाँ चले जाते हो आप ऐसे भाग भाग के? हाँ, कितनी सुंदर थी ना यार, क्या ब्यूटीफुल उसकी स्किन थी, कितनी अच्छी थी। चलो, हाँ जी बेटी, चलो बेटी चलो। तो इसको चॉप करके थोड़ा छोटा छोटा काट लें, ताकि जो है इसको इजीली डॉग खा सके। तो अभी जो है ये है पनीर, दिस इज चीज,
इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। चलिए जब तक ये अपनी कार्रवाई हो रही है, कट रहा है, तब तक मैं जो है इनका बाकी का काम करता हूँ। इनका कुकर पे सामान रख के आता हूँ बॉयल होने के लिए। इनके लिए देसी एग भी रखे हुए हैं स्पेशली हमने। उसके अलावा परियर फ्लोरा का एक और स्पेशल फेवरेट फूड यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि हैं देसी अंडे। ये इन अंडों को जो है बड़े शौक से खाते हैं, काफ़ी इसमें अच्छी क्वालिटी होती है क्योंकि देसी हैं। हम तो भले ही नहीं खाते, पर डॉग्स को देते हैं ताकि इनकी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो ये है परियर फ्लोरा का फेवरेट फूड गाइज। अभी कौन सा फूड खाते हैं आपको मैंने पहले भी कई बार दिखा रखा है, बता रखा है। इसका नाम मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। फ्लोरा का फूड, ये 15 केजीज का पैक आता है, ऐसे बोलते हैं स्टार्टर मदर एंड बेबी मैक्सी। इसमें जो है प्रोटीन, नॉर्मल जो रॉयल कैनन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें प्रोटीन, विटामिन, जो मल्टीपल जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो डॉग को चाहिए बढ़ती एज में। 1 ईयर तक मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको दे सकते हो, और जब आपका आपकी डॉग प्रेग्नेंट हो, पफ देने वाली हो, तब ये हाईली रिकमेंडेड है। और इसका जो प्राइस है, जो MRP है, वो 9,540 रुपये होता है, जिस पर डिपेंड करता है कि डीलर आपको कितना डिस्काउंट देता है, 5, 7, 10% जो भी है अब आपको डिस्काउंट दे देता है। अभी मैं जब बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ तो परी देखिए कैसे बैठी हुई मेरे साथ। कंबल में मेरे साथ ही बैठती है, ये अटैचमेंट है भाई हमारे प्यारे अपने डॉग के साथ। और अभी सर्दियाँ आ गई हैं, प्लीज़ आप भी हेल्प करें। जैसा कि मैंने बताया अपने पिछले वीडियो में, 100 डॉग्स को हमने जो है कोट्स अभी डोनेट किए हैं, उनको पहनाए हैं। डेली हम अपने आसपास घर के पास कई सारे सी डॉग्स को फीड करते हैं। रात में बैठने के लिए उनको घर के बाहर गद्दा या दरी बिछाते हैं, छोटे टेंट हाउसेस बनाते हैं ताकि उनको थोड़ी बेचारे इन बेबस जानवरों को थोड़ी सी राहत मिल सके। तो प्लीज़ यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ दीज इनोसेंट्स गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर ओन चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एट दी रॉयल सोल्जर। हैव अ नाइस डे गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद। तो गाइज आप देख सकते हो मेरी जैकलिन ने जो है पता नहीं कब में मेटिंग इसकी हो गई और उसने बच्चे दे दिए। अभी 2 साल से कम किया, इस पर द KCI रूल शी वर नॉट सपोज टू कंसीव, इस वजह से इसके पेपर बन नहीं पाएंगे, जिसका मुझे थोड़ा सा दुख रहेगा। लेकिन बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे पॉप्स हैं यार, आई रियली लव देम।